आज जो अपन पढ़ेंगे उसका एंड डाल लो, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अपन बात करें तो जो अपन पढ़ेंगे आप और मैं पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता क्या है? तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इतना सा कहता है कि छेड़ो मगर सबको। तो वो ऐसा कहना चाहता है कि छेड़ो मगर सबको, छेड़ो मगर सबको। सर इसका अर्थात क्या है छेड़ो मगर सबको? जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया आपको डिफरेंशिएशन करना है लॉग ई की लॉग 2x² प्लस 5x माइनस 2 की होल पावर क्यू। अब देखिए पहला तो आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिखेगा कि सर जब भी हम डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन करते हैं तो क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो सर ये 3 दिख रहा है ना, मेरी इच्छा हो रही क्यों ना इस 3 को पीछे भेजूं, और पहला लेवल पे तो ये हो जाएगा 3 log 2x² + 5x - 2 दिस होल की पावर कितना 3 - 1। दिस होल की पावर कितना 3 - 1, मतलब आपने एक पार्ट छेड़ दिया, जो आपका ये जो एक्सपोनेंट्स वाला पावर था वो आपने छेड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन सर इस क्वेश्चन के अंदर अंदर से क्या है लॉग भी है, तो सर आप इंटू करोगे, इंटू में मल्टीप्लाई में चलेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 2x² + 5x - कितना 2। तो सर ये तो यहाँ पे हो गया 3 log 2x² + 5x - 2 होल की पावर 3 - 1 मतलब स्क्वायर इनटू। अब तुम लॉग का ये वाला पार्ट बनवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 2x² + 5x - 2। सर ठीक है अच्छी बात, 1 अपॉन में कितना 2x² + 5x - 2, क्योंकि आपने लॉग का डिफरेंस किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो ये 1 अपॉन में पूरा। लेकिन सर ये वाला पार्ट अभी बच गया यस, तो अब इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ कितना 2x² + 5x - 2। सर आपने स्टार्टिंग से लिख के रखा है छेड़ो मगर सबको, तो इसमें आपने पहले किसको छेड़ा पावर वाले पार्ट, फिर आपने किसको छेड़ा लॉग वाले पार्ट को, और फिर आप किसको छेड़ रहे हो जो अंदर का ये क्वाड्रेटिक होता है उसको आप छेड़ रहे हो। सर ठीक है अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ बात तो क्या अच्छी है, अगर अपन देखें और समझें तो इट वुड बी 3 log 2x² + 5x - 2 इनटू 1 अपॉन में 2x² + 5x - 2 इनटू, अगर मैं बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो 2 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x + 5x का कितना होगा 5, और 2 का कितना हो जाएगा 0। अगर अपन बात करें सिस्टमेटिक तरीके से तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 3 log 2x² + 5x - 2 इनटू 1 अपॉन में 2x² + 5x - 2 इनटू 4x + 5। इसको आप जमा के भी लिख सकते हो और ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। सर आपने इतने बड़े क्वेश्चन से क्यों चेन रूल की शुरुआत करी? मैं आपको इजी क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप चेन रूल समझ जाएं कि चेन रूल का मतलब क्या होता है, छेड़ो मगर सबको, मतलब आपको हर जगह से उस चीज को छेड़ना पड़ेगा। सर अगर अपन चले तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या जो स्क्वायर चल रहा था वो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो दिस इज स्क्वायर, ठीक है। चले अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट लेवल की, कब आपको गिवन है फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x² - 5x
प्लस थ्री। पहले तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, तो वो होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो पहला तो है कि आपको रूट को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इट वुड बी वन अपॉन में टू रूट वॉट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। तो वन अपॉन में अगर अपन लेके चले टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इंटू, सर क्या अंदर वाले को भी छेड़ना पड़ेगा? यस, अंदर वाले को भी आपको छेड़ना पड़ेगा। तो इट वुड बी वॉट एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव एक्स का कितना हो जाएगा माइनस फाइव और थ्री का कितना हो जाएगा जीरो। सो दिस वुड बी द आंसर। सर ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं और भी, बस इच्छा ये है कि साथ में चलेगा। कभी आपको और इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितने बच्चे समझ पाते हैं। कभी आपको गिवन हो ऐसा थर्ड क्वेश्चन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स होल की पावर एट, होल की पावर कितना एट। तो सर छेड़ो मगर सबको में क्या होगा, एट पीछे आ जाएगा, एट अगर पीछे आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स होल की पावर क्या हो जाएगा सेवन, क्योंकि एट पीछे आ गया। लेकिन सर क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, यहाँ पे आप करोगे डी बाय डी एक्स ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स। सर ऐसे में कहीं ना कहीं एट फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स होल की पावर सेवन। फोर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फोर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स, नाइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा नाइन, लॉग एक्स का होगा वन बाय एक्स और माइनस थ्री ई की पावर। Now this would be the answer. तो क्या सर इसको चेन रूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश करी कि छेड़ो मगर सब। सर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा ही लगा। एक बार आप थोड़ा सा और देखिए कि आपको कितना समझ में आया, किस प्रकार से समझ में आया, ठीक है क्या? अगर यहाँ तक हो जाए तो बताइए, फिर अपन गेम को आगे बढ़ाएं। चलें क्या दोस्तों, अगर अपन बात करें नेक्स्ट लेवल पे, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर अपन लेना चाहें उसको जहां पे अपन लेंगे तो ठीक है। सर क्वेश्चन किस प्रकार सा है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस वन बाय x और आगे आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर dy बाय dx माइनस एक्स वाई प्लस टू इज इक्वल टू कितना जीरो। सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात तो है। अगर आप यहाँ पे dy बाय dx निकालना चाहें तो x का कितना हो जाएगा वन और वन बाय x का कितना हो जाएगा माइनस वन बाय x स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है, x का वन, ध्यान रखिएगा वन अपॉन x की पावर n का डिफरेंशिएशन माइनस n अपॉन में x की पावर n प्लस वन होता है। तो सर ठीक है, अगर अपन बात करें dy बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन में कितना x स्क्वायर। सर ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं इस x square को उस तरफ ले जाऊं तो what I will got x square dy by dx is equal to कितना x square minus one। अब ये चीज मेरे काम की, क्यों सर? मैं यहां पे जो प्रूफ दैट बोला है ना उसमें x square dy by dx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, x square minus one minus x into y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास x प्लस वन बाय एक्स और प्लस कितना टू, प्लस कितना
एक्स इंटू वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, शायद कितना, माइनस वन प्लस टू। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस वन इज माइनस टू, प्लस टू दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात तो है और क्वेश्चन भी अच्छा था। अगर अपन नेक्स्ट लेवल पे बात करें कि सर कैसा क्वेश्चन और भी ले सकते हैं अगर अपन, तो आपको क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, और आपको गिवन है f-3। f-3 मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, f- के आगे लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 37। फॉर्मूला है फाइंड k, फाइंड व्हाट k। अब अगर मैं आपसे बात करूं ये f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन मतलब f-x, तो सर k तो शांत बैठेगा, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 4 का तो कितना हो जाएगा 0, और 5x का कितना होगा 5। ठीक है, नाउ f-x इज समथिंग, f-x इज समथिंग 2kx-5। इन्होंने बोल कर रखा है f-3 इज 37, इसका मतलब क्या, f-3 मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन, 3, 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 37, तो 6k-5 इज इक्वल टू 37, 6k इज इक्वल टू 42 एंड k इज इक्वल टू 42/6 दैट इज कितना 7। सर क्वेश्चन टफ तो नहीं था, मैंने कब बोला कि टफ, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अपने आप में अच्छा था आपका। अगर मैं आपसे लेके चलना चाहूं अगला एक क्वेश्चन, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद इन द फ्लो चलें। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास ax+b(c)(d)(m). इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट रूल की जानकारी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, जब भी आपको d/dx PQ करना हो, हम बोलते हैं p तू चुप बैठ, d/dx q प्लस q तू चुप बैठ d/dx कितना, तो p तू चुप बैठ d/dx q प्लस q तू चुप बैठ d/dx p। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये आपका p है और ये आपका क्या है q, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ax+b(n) तू चुप बैठ d/dx(cx+d)m प्लस cx+d)m तू चुप बैठ d/dx कितना ax+b(n), ax+b(n) कितना n। सर ठीक है, अच्छी बात। अब अगर यहाँ पे देखिए अपन ax+b(n), इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर पहले तो ये m पीछे जाएगा, मैंने बोला हाँ यार रूल तो वही होता है, m(cx+d)) क्या हो जाएगा m-1, क्या यहाँ पे इतने में खत्म हो जाएगा कि अंदर वाले cx+d का भी होगा, अंदर वाले cx+d का भी होगा, क्योंकि अभी तो अपन ने चेन रूल पढ़ा कि छेड़ो मगर सबको, उस केस में d का तो कितना हो जाएगा 0, और cx का कितना बच जाएगा c, प्लस cx+d)m। ये जो n है वो कहाँ आ जाएगा, पीछे n(ax+b)(n-1) क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपका b का कितना हो जाएगा 0, और ax का कितना हो जाएगा a, ax का कितना हो जाएगा a। तो सर अगर अपन बहुत ढंग से देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा चल रहा है, ax+b(n)mc(cx+d)-1 प्लस cx+d)(m)na(ax+b)-1। सर थोड़ा सा देखो ना, यहाँ पे ax+b(n) है और यहाँ पे ax+b क्या है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है,
आई थिंक एन माइनस, तो आप ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। एक ये है और ये है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। तो सर यहां से इसका एन माइनस वन वाला पार्ट तो कॉमन निकल गया, मतलब अंदर का बचा सिर्फ एक ही बचा, ए एक्स प्लस बी इंटू कितना एम सी, इंटू कितना एम सी। सर इसकी बात करें तो सी एक्स प्लस डी की पावर ही क्या है एम, इसमें से एम माइनस वन क्या निकल चुका है बाहर, तो सिर्फ क्या बचेगा सी एक्स प्लस डी और इंटू में क्या बचेगा एन ए। क्या सर ये आंसर होगा इसमें? मैंने बोला हाँ आंसर तो ये होगा, क्वेश्चन अच्छा था, प्रोडक्ट रूप में 20 था, एक बार चेक करो, नहीं आया तो वापस से स्क्रोल करके फिर से देखो तो फिर मजा आएगा। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है, फाइंड इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी सर देखो अगर अपन चेन रूल पे चले तो चेन रूल क्या बोलेगा इसका, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन को पीछे ले लेते हैं एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर एन माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर आप छेड़ो मगर सबको की बात कर रहे हो, मैंने बोला हाँ एन को पीछे ले लिया पावर एन माइनस वन और ये अंदर की बात, तो अगर अपन अच्छे से बात करें तो एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा वन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना आएगा वन अपॉन में टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे भी क्या है रूट एक्स का तो आपने कर दिया क्योंकि रूट एक्स का होता कितना है वन अपॉन में टू रूट एक्स, बट द फैक्ट इज क्या ये अंदर वाले पार्ट में करना पड़ेगा, हाँ सर, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा एज पर छेड़ो मगर सबको। तो सर अगर अपन बात करें तो एन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन में टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर यहां से ए स्क्वायर का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा कितना टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा टू एक्स। तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर और आगे लेके चले तो गेम किस तरफ चलेगा एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर एन माइनस वन इंटू, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स दिस होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर एक दिल की बात आई है कहने, मैंने बोला हाँ बोलो। सर देखो यहाँ पावर एन माइनस वन है यहाँ पावर वन है, मैंने बोला हाँ पावर जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या होती है एड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एक्स की पावर एम प्लस एन। सर ये बात तो अपन पढ़ चुके हैं, मैंने बोला हाँ। तो अगर अपन बात करें कि क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर एन माइनस वन प्लस वन दिस होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी सही है सर। अगर अपन
आगे चलें तो ये से ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे आपका चल क्या रहा है, dy by dx। सर अगर फिनाले पे चलें तो dy by dx is equal to कितना चल रहा है, n into x plus under root of x square plus a square whole की पावर n अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम जहां से शुरू हुए कहानी वहां तक पहुंच चुकी है। सर कैसे, मतलब अगर आप चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ, तो सिस्टमेटिक देखा जाए तो ये जो प्रकट हो गया है ना आपका, ये क्या यही वाय था, चेक कर लो क्या यही वाय था। तो अगर इसको वाई लिख देंगे तो अल्टीमेट का आंसर कितना आ जाएगा, एन वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर बात तो ये भी अच्छी हुई कि वाई की वैल्यू थी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला मुझे भी अच्छा लगा, एक बार आप लोग भी चेक कीजिए कि आपको कैसा लगा। चले सर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रकार से है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और लय के साथ करेंगे उस क्वेश्चन को अपन, तो और मजा आएगा। तो सर क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। सर थोड़ा सा रैशनलाइज का तड़का चाहिए, चलो कर लेते हैं। सर रैशनलाइज कैसे करें, मैंने बोला यार नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स दिस होल अपॉन में सॉरी माइनस एक्स, कि नीचे प्लस है ना तो रैशनलाइज कैसे हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। सर यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल दिखता है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात। तो y इज इक्वल टू अगर ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी चल रहा तो वो हो क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो सर ऊपर तो ये भी a माइनस बी और ये भी कितना a माइनस बी, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जो अपॉन में चलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर व्हाट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर न्यूमरेटर खोलेंगे तो क्या खुलेगा, न्यूमरेटर खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए, और डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल हो चुके हैं तो वन ही बचा है। सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा इजी बन सकता है, मैंने बोला यस डिफरेंशिएशन कराई नहीं और क्वेश्चन को इजी कर रहे हैं अपन, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहां से गाड़ी का डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, इजी हो जाएगा। सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कैसे इजी होगा और क्या क्या होगा, तो मैं उसको समझाना चाहता हूं कि अगर तुम समझ समझ के देखोगे तो बताओ टू एक्स स्क्वायर का कितना होगा। सर टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा फोर एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स जब चालू होगा तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x, 1 का कितना हो जाएगा 0, माइनस 2, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं q, x तो चुप बैठ, d by dx of under root of x square plus 1
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो चुप बैठ, डी बाय डी एक्स ऑफ कितना एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कितना। तो सर ऐसे केस में अगर हम बात करें तो फोर एक्स माइनस टू एक्स रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना, वन पॉइंट टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स, क्यों, क्योंकि छेड़ो मगर सबको। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल, क्योंकि पहले तो आपने रूट को करा वन अपॉन टू अंडर रूट, क्योंकि रूट एक्स का कितना होता है वन अपॉन टू एक्स, और फिर अंदर का देखेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा टू एक्स सर, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर, ये भी सही है। अगर अपन फाइनल आंसर पर चलना चाहें इसी क्वेश्चन के, तो मैंने बोला चलो देखते अपन क्या लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस, ये तो कितना हो गया टू एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहां से अगर एलसीएम ले लें तो ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। This would be the final answer. Sir, क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला हाँ मतलब अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं, उच्च कोटि का बढ़िया क्वेश्चन अगर अपन लेके चलना चाहें तो। सर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन अगर आप कर पाए तो, चलें क्या दोस्तों, चलें क्या दोस्तों, अगर अपन आगे की बात करें विद द सेम फ्लो, सर ऐसा एक और क्वेश्चन करते ना, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा एक और क्वेश्चन करे तो लिखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स दिस होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। सर रैशनलाइज कर ले, मैंने बोला हाँ पहली फुर्सत में ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, सर ये आपका ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी, तो अगर अपन वाई को लेके चले तो ये तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी चल, तो सर ये तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे लेके चला तो ये क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहां पे आ जाएगा ये रूट और ये कैंसिल, ये रूट और ये कैंसिल, ए प्लस एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस टू, अगर ये वापस से ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
नीचे शायद ए से ए गेट कैंसिल हो चुका है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स बचा है, ऊपर एक्स एक्स कैंसिल हो चुका है। सर क्या बात है, मैंने बोला अभी तो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन अपने मिजाज में है। अगर अपन बात करें तो y इज इक्वल टू टू चले दोस्तों, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास, a बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। चाहो तो अलग अलग करो, चाहो तो साथ में करो। तो सर ये तो अभी y बना है, आपको जैसे करना हो मतलब साथ में भी कर सकते हो। सर अगर अपन अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, ये लो dy by dx, a तो कांस्टेंट है, 1 by x का कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में कितना x स्क्वायर, 1 by x का कितना होगा माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन x की पावर n का होता है, माइनस n अपॉन में x की पावर n प्लस 1। ठीक है, और सर यहाँ पे क्या क्वेश्चन रूल शुरू होगा, मैंने बोला हाँ यहाँ पे क्वेश्चन रूल शुरू होगा, एक्स स्क्वायर एक्स तो चुप बैठ, डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, तो माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर माइनस, अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें और अच्छे से बात करें तो एक्स इस चीज का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वापस से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, बताओ ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस 2x माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 1। सर ये भी सही है, मैंने बोला हाँ ये भी सही है। तो सर क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैंने बोला हाँ कैंसिल तो हो गया। फिनाले आंसर लग पे जा रहे हैं अपन लोग, dy by dx इज इक्वल टू माइनस इसके होल अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गई माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगर एलसीएम ले लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट से रूट क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर में, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, मतलब एलसीएम लेंगे तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बच जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो भी इधर ही आ जाएगा। पैक कर लीजिएगा, ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं और ये ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर जो पहले से चल रहा था, ठीक है, तो ये पहले से डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है क्या, हाँ कि ना। अगर अपन आगे की बात करें तो dy by dx is equal to minus a by x square, शायद ये minus x square और ये x square कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, मतलब इच्छा हो तो माइनस या ए बाय एक्स कॉमन ले लो, ए बाय एक्स स्क्वायर तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा माइनस 1 प्लस ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस